बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि पहली उम्मतों में आबिद उसे करार दिया जाता था जो हजार माह तक अल्लाह ताला की इबादत करता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इस उम्मत को ये फजीलत हासिल हुई कि एक रात की इबादत से ही उससे बेहतर मकाम हासिल कर लेती है। सुभान अल्लाह। साबका उम्मतों का आबिद वो शख्स होता जो 1000 माह तक अल्लाह ताला की इबादत करता था, लेकिन उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने इस उम्मत के अफराद को ये शब्बे कदर अता कर दी जिसकी इबादत उस 1000 माह से बेहतर करार दी गई। गोया ये अजीम नेमत भी सरकारे दो जहां रजी अल्लाह ताला अन्हु की गुलामी के सदके में उम्मत को नसीब हुई है। लैलतुल कदर फकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खसूसियत है। जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल कर ले तो जितनी भी ताक रातें हैं उन ताक रातों में 3 दफा दरूद पाक पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बैठकर गिड़गिड़ा कर पूरी तवज्जो से इन ताक रातों में 140 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है। इंशाल्लाह रिज़्क में इजाफा होगा, इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी, जो चाहेंगे मिलेगा। अल्लाह ताला पर तवक्कल करके पूरी खुशनूदी के साथ, पूरे खुशू खुजू के साथ अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए आपने ये अमल करना है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला का रहम होगा, करम होगा। अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पढ़िए ताकि इस रात की बरकत से आप फ़ायदा उठाएं। बेशक ये रात बहुत ही ज़्यादा रहमतों और बरकतों वाली है। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुमामीन।